है, फन टॉपिक है, और आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट होता है, आप लोग कुछ भी चाहते हो मैं करूँ, मुझे तो वो करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मुझे पूरा दिन द होल डे इफ आई गेट टू स्पेंड एज पर योर विश, व्हाट कुड बी मोर अमेजिंग देन दैट। तो अभी तो दिन का शुरुआत होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज टुडे इट्स गोना बी अ रियली फन डे, एंड कीप ऑन वॉचिंग, एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठने के बाद, ब्रश और ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैं सबसे पहले जो करती हूँ वो है थोड़ा सा अपने टमी को चेक करना। यू नो, इट जस्ट मेक्स मी अ बिट हैप्पी एंड ऑल्सो यू नो मोटिवेट्स मी दैट हाउ मच आई नीड टू वर्क अपॉन थ्रू आउट द डे। यू नो, इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स एज अ मोटिवेशन। फिर मैं पीती हूँ अपनी ग्रीन टी, क्योंकि आपको पता है मेरी ग्रीन टी के बिना तो मैं रह नहीं सकती। और अपनी हरी चाय की प्याली लेके मैं चली जाती हूँ सीधा अपने जीनी के पास। और मुझे पता है चीनी को लेके तो आपसे कुछ भी पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछती ना कि क्या चीनी ब्लॉग में होगा, तो आप लोग तो मुझे 100% ही देते हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझसे भी ज़्यादा चीनी से प्यार करते हो। कुछ देर तक चीनी के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं उठ के चली गई अपने दूसरा वर्क ऑफ द डे जो आपने सिलेक्ट किया मेरे लिए, जो कि है क्लीनिंग द रूम। हाँ, मैंने आप सबसे पूछा था कि शुड आई क्लीन माई रूम एंड मेकअप, और आप में से 100% मतलब सारे फैन ने मुझे कहा कि हाँ मुझे करनी चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया बात है बाय द वे, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने रूम को, मेकअप को, सब चीज़ को क्लीन करूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने अपने यू नो ड्रॉर्स के अंदर वाले सारे मेकअप्स को क्लीन किया था, पर बाहर वाले मेकअप को काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया था। इवन मैंने रूम में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैसी होके रखा था। तो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लीन एवरीथिंग अप सिंस यू गाइज वॉन्ट मी टू डू इट, एंड इट इज़ ऑल्सो गोना मेक माई मम्मी अ बिट हैप्पी दैट आई एम क्लीनिंग माई रूम। यू नो, मॉम्स गेट रियली हैप्पी व्हेन यू क्लीन स्टफ। मेकअप को अलग अलग निकाल के क्लीन किया है। यहाँ पर मैंने लगभग ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours मुझे लग गए सारे चीज़ों को क्लीन करते हुए। जस्ट टू लेट यू गाइज नो, मैंने तो कार्ड छाट के आपको दिखाया है, क्योंकि उतना दिखाने जाऊँगी तो आप लोग सो ही जाओगे। मैं यहाँ पर जो है वेट वाइप यूज़ करके सारा मेकअप क्लीन करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं क्या यूज़ करी हूँ, ये सुन के आई एम श्योर कि ज्योति अगर होती तो पूरा एकदम बेहोश हो जाती, क्योंकि उसको एकदम पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से वेट वाइप्स को बर्बाद करूँ। पर मुझे पसंद है वेट वाइप्स से अपने मेकअप का सामान ये सब चीज़ क्लीन करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वेट वाइप्स में परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है जिससे सामान क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कुछ एक्स्ट्रा वेट वाइप्स रख देती हूँ, कुछ चीप जो अफोर्डेबल वेट वाइप्स होता है उसको रख देती हूँ, जिससे मैं ये यू नो मेकअप वगैरह ये सामान वगैरह क्लीन करती हूँ। इससे चीज़ें आसानी से क्लीन भी हो जाता है, एंड डू नॉट गेट टू मच मेसी विथ वाटर एंड एवरीथिंग। तो आप देख सकते हो मैं लगभग एक के बाद एक हर एक सामान और चीज़ को क्लीन करी हूँ। अंदर में ड्रॉअर के अंदर में बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा जस्ट 1.5 weeks back मैंने ड्रॉयर के अंदर सारा चीज़ें क्लीन किया है ऑलरेडी, तो अंदर में तो धूल उतना जाता नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ बाहर में रखा हुआ है उन सबको मैंने क्लीन किया। के बाद जो है मैं मूव की झाड़ू मारने की ओर, क्योंकि इतना धूल नीचे गिरा हुआ था सारे क्लीनिंग के वजह से कि मेरा पैर जो है ज़मीन पे मैं रख नहीं पा रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मेड आते हैं, कई बार मम्मी भी करती है, लेकिन मेरे जो पर्टिकुलर रूम है ना, उसमें इतना ज़्यादा फिल्मिंग का सेटअप का सामान रहता है कि कोई इसमें घुस के कुछ झाड़ू वगैरह मार नहीं पाता है। आई हैव टू डू इट। प्रीवियसली माई मॉम यूज़ टू डू इट, बट नाउ शी कैनॉट आफ्टर हर पेल्विक बोन इंजरी, वो इतना काम नहीं कर पाती है, तो मैं ही करती हूँ बस। और आप देख सकते हो सारे मेकअप हर चीज़ कितना पूरा चकमक चकमक कर रहा है, कोई इसमें आपको धूल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हर एक प्रोडक्ट को मतलब अलग से टिश्यू ले लेके यू नो साफ किया है। एंड यू कैन सी हाउ क्लीन, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना निरमा का सफ़ेदी का झंकार, वैसा एकदम चमकदार झंकार आपको दिखने को मिल रहा है।
और या आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल द क्लीनिंग स्टफ। मैं अपने कुछ शिवलिंग दिखा रही हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, मैं शिवलिंग बहुत सारा कलेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है शिवलिंग। मेरे भाई रिसेंटली आपका बद्रीनाथ और अमरनाथ गया था, तो वो दोनों शिवलिंग ही मेरा भाई मेरे लिए लेके आया है। ऊपर में जो दो शिवलिंग दिख रहा है उसमें कोना वाला शिवलिंग को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, मम्मी ने भी थोड़ा मदद किया था, बट यस आई मेड इट विथ माई ओन हैंड्स। और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, मैंने फाइनली अपने सिस्टम में जो है इंस्टॉल किया है वेबकैम को, तो हाँ मैं बहुत जल्द यूट्यूब में लाइव आने वाली हूँ। ऑफ कोर्स उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करूँगी, आप लोगों से पूछूँगी कि आप कब चाहते हो मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट आप बाहर में देख रहे हो जीनी को लेके, मेरा भाई बाहर गया है, उसको थोड़ा वॉक करवाने, उसको थोड़ा यू नो सुसु पॉटी वगैरह करवाने, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको दिखा दिया। और मैं सोची कि जब तक जीनी बाहर है थोड़ा बेड को साफ कर लेते हैं, क्योंकि वो आएगा तो महाशय तो उसके ऊपर बैठ जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा आप देख सकते हो वो बेड के ऊपर बैठ के सब चीज़ को देख रहा है कि अच्छे से मैंने हर चीज़ को साफ किया है कि नहीं, यू नो ही इज़ हैविंग हिज किंगली पोजिशन देयर। तो अभी मैं कुछ देर फिर से जीनी के साथ स्पेंड करूँगी, अपने फ़ोन को देखूँगी, ये वो करूँगी, यू नो बकवास वाली चीज़ें जिसमें कुछ काम वाम नहीं है। कि मैं जाऊंगी अपने दूसरे काम करने के लिए। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मुझे फ़ोटोशूट करने चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था हाँ आई शूड डू फोटोशूट, सो आई डिड डू अ फोटोशूट ऑन दैट डे। मैंने साड़ी पहन के भी किया था और वेस्टर्न वेयर पहन के भी किया था, आपने फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम में ऑलरेडी देख चुके। और अभी बारी है कुकिंग का, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि शुड आई कुक समथिंग, तो आपने बोला कि हाँ, तो मैंने इसलिए बनाया आप सबके लिए ये सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन का सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर आधा पैकेट सोयाबीन है, जो न्यूट्रेला का मिलता है वही है, और ये अभी बॉयल नहीं है, बस रॉ सोयाबीन है। और फिर मैंने जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें है एक बड़ा साइज टमाटर, जो मैंने पीसेस करके रख दिया है। फिर मैंने लिया है 3 से 4 तेज पत्ता, एक बड़ा साइज़ का ऑनियन जिसको मैंने फिर से बारीक पीसेस करके रख दिया है, फुल गरम मसाला की जो कि आपको ज़रूरत है। फिर मैंने लिया है आपका गरम मसाला पाउडर, अगर आप चाहो तो घर पे भी पाउडर बना के दे सकते हो, मेरा उतना मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं सनराइज़ का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर किचन मैजिक का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये लगभग 1 टेबलस्पून पेस्ट होता है, अगर आप घर पे बना रहे हो तो 2 से 3 3 से 4 क्लोव ऑफ गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर लेना, दोनों मिला के 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फाइनली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है आपका ऑनियन पेस्ट और साथ में रेड चिली पेस्ट, यहाँ पर लगभग 1.5 ऑनियन है, एक बड़ा साइज़ और एक मीडियम साइज़ का हाफ, और 5 से 6 रेड चिली का पेस्ट है। तो सबसे पहले अपने पानी को मैं गर्म करूँगी और उसमें सारे सोयाबीन को डाल दूँ, पानी गर्म कर रही हूँ और सारे सोयाबीन को उसमें डाल दिया है, और फिर मैं धीमी आँच में थोड़ा सा इसको पकाऊँगी जब तक सोयाबीन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बन जाते, बस यही करना है, बहुत ही ईजी है। जब ये सॉफ्ट बन जाएंगे तो मैं इसको छान लूँगी और अलग से डिश में निकाल लूँगी, आप देख सकते हो इससे धुआं निकल रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, सॉफ्ट है, मुशी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, याद रखना है कि ये एकदम गल ना जाए। मैंने करा लिया, करा में मैंने सनफ्लावर ऑयल दिया है और फिर मैंने दिया है 1/2 चम्मच चीनी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर लेके आता है। और जब चीनी थोड़ा सा कैरमलाइज्ड हो जाएगा मैं इसमें डाल 3 से 4 बे लीफ, फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़े से होल गरम मसाले, फिर मैं डालूंगी वो बारीक कटे हुए प्याज को, और फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी जब तक कि प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन नहीं बन जाते। और जब प्याज लाइट ब्राउन बन जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी वो ऑनियन वाला पेस्ट, ऑनियन और रेड चिली वाला पेस्ट जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था पहले से, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है जो कि है 1 पैकेट, अगर आप पैकेट यूज़ कर रहे हो, अगर घर पर बना रहे हो 1 टेबलस्पून दोनों को मिला के याद रखना,
उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स आप अमाउंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाद में डाल दूँगी इसमें टमाटर और फिर अच्छे से मिलाऊँगी। डाली हूँ मैं 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर फॉर द कलर एंड एवरीथिंग और फिर मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। आपस से ये सारे मसाले को मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको इसमें डालूँगी थोड़ी सी पानी और वापस से मिक्स करूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी हल्की सी कश्मीरी रेड मिर्च क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और मुझे पसंद है कश्मीरी रेड मिर्च। तो अभी जो है मसाला थोड़ा सा पक गया है, टमाटो भी मुशी हो गया है, तो मैं इसमें सारे सोयाबीन को डालूंगी और अच्छे से मसाले के साथ पहले मिक्स कर लूंगी। बहुत लोग सोयाबीन को हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई कर लेता है पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि यू नो इट्स ऑल अबाउट हेल्दी कुकिंग। अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल में फ्राई करोगे तो सोयाबीन का जो हेल्दीनेस जो हेल्थी पॉइंट है वो थोड़ा घट जाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल चला जाएगा और मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे लगता है इस तरह से सोयाबीन और सॉफ्ट और जूसी रहता है। सोयाबीन को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी काफ़ी ज़्यादा पानी ताकि पूरा जो सोयाबीन है पानी के नीचे चले जाए। मुझे पता है अभी बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है बट डू नॉट वरी, बाय द एंड ऑफ द डिश इट विल बी मोर मुशी और एंड इट विल बी ऑल यमी एंड टेस्टी, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। जब करी पक के थोड़ा अमाउंट रिड्यूस हो जाए मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी और अमाउंट रिड्यूस हो चुका है, सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको थोड़ा मिलाऊंगी, 1 से 2 मिनट गैस पे रखूंगी फिर इसको निकाल दूंगी। अभी ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए तो मैं सर्व कर दूंगी। वैसे बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, एक फुल फ्लेज्ड प्रोटीन डाइट है बिकॉज सोयाबीन इज फुल ऑफ प्रोटीन। हमारी ये लंच की तो मैंने पूछा था आपसे कि मुझे आज खाने में वेज खानी चाहिए कि नॉन वेज, तो थैंकफुली आपने नॉन वेज कहा था क्योंकि बैठी हूँ लंच करने के लिए। और मैंने इंस्टाग्राम में आप सबसे पूछा था कि मुझे लंच में क्या करना चाहिए, मुझे फिश करी और राइस खाना चाहिए कि मुझे चिकन करी और राइस खाना चाहिए। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने चूज किया जैसे कि आप देख सकते हो वोटिंग पे दैट आई एम सपोज्ड टू टेक चिकन करी एंड राइस एंड थैंक यू सो मच बिकॉज आई लव चिकन और आज चिकन भी बना है। अगर चिकन बना है और मैं फिश खानी होती देन आई वुड हैव बीन रियली सैड। तो थैंक यू, आपके और मेरे वेवलेंथ में कितना मैचिंग है, इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी। तो मैं खा रही हूँ चिकन करी और राइस जैसे आपको दिखाया मैंने कुछ देर पहले, पर साथ में मैंने लिया है अपना बनाया हुआ वो सोयाबीन की सब्जी क्योंकि मुझे ये टेस्ट करनी थी। वैसे तो मैं इसको रात में खाने वाली हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। दिस इज सो फ्रिकिंग नाइस। सच में गाइस मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ पर इतना सॉफ्ट लग रहा है सोयाबीन और मसाला इज सो फ्रिकिंग गुड, आई लव इट। अगर आपने इसको अपने घर में नहीं बनाया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, कट्टी बनाओ इसको, ट्राई करो, हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको रोटी के साथ राइस के साथ इंजॉय कर सकते हो पर फिलहाल तो मैं खाने वाली हूँ, सो फ्रिकिंग यमी, so good, so juicy and soft, I love it. और मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद after I'm done with my lunch. Hello. तो मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूंगी एक मिनी सा हॉल। वैसे मैं सोचती हूँ कि यू नो कभी कभार बहुत ज्यादा ही कभी कभार मैं काफी बार बिंज शॉपिंग करती हूँ, तो वैसे ही मैंने कुछ बिंज शॉपिंग किया है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला बैग जो शेयर करूंगी वो है दिस वन। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पैच वर्क क्रॉस बॉडी बैग, इसको मैंने लिया है ज्योति जिया स्टोर से। इसका प्राइस है अराउंड 400 रुपीज और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, मटेरियल अच्छा है एंड आई लव द स्टाइल। सबसे बढ़िया चीज है ना ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है और अंदर में काफी सारा सामान आ जाएगा। 3 क्लचेस, तो मैंने काफी सारे एनवेलप क्लचेस खरीदा है जो शायद आपने मेरे रीसेंट फोटोज पे देखे भी हो। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये मैंने खरीदा है क्लव फैक्ट्री से, इसका प्राइस भी इज अराउंड 450 आई गेस। आई रियली लाइक दिस ब्लिंगी सॉर्ट ऑफ एनवेलप क्लच, आई थिंक इट लुक्स वेरी प्रिटी। सेकेंड वन इज माई पर्सनल फेवरेट जो भी मैंने क्लव फैक्ट्री से ही लिया है क्योंकि क्लव फैक्ट्री में बहुत ही अफोर्डेबल
रेंज में बहुत ही यूनिक स्टाइल्स मिलता है, वो है दिस वन. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज ऑफ द ग्रंजी लुक. दिस इज दिस मेटल स्टड एनवेलप क्लच. का लॉक मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा है और साथ ही इसमें एक चेन भी है, तो आप इसको साइड में भी क्रॉस बॉडी बैग की जैसा ले सकते हो. क्लच मैंने लिया है वो है मेरा शेन. इज दिस व्हाइट वन, आई विल शो यू. फुल व्हाइट एनवेलप क्लच है और इसमें लेजर कट आउट किया हुआ है जिसमें से आपको गोल्ड मटेरियल है जो दिखता है. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड यूनिक क्लच. वन इज ऑल्सो अ क्रॉस बॉडी बैग. दिस वन इज दिस beautiful holographic bag. Just look at the color, it is so freaking bright and pretty. ये भी क्रॉस बॉडी है, इसका आपका यू नो चेन है अंदर में. ये देखो आप चेन. मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लग्जूरियस फील होता है जब आप इसको पकड़ोगे. इसका प्राइस आई थिंक अराउंड 1300 और 1000 टू 1300 के बीच में है इसका प्राइस. कुछ मेकअप के सामान की ओर जो मैंने ज्योति जिया स्टोर से लिया है. तो पहला जो प्रोडक्ट मैंने पिक किया है वो है मार्स का ये मॉडर्न मैट कलेक्शन पैलेट. ये एक इतना खूबसूरत सा कलरफुल आई शेडो पैलेट है. इसमें आपका मैट और शाइनी शिमर है. मैंने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया है अभी तक. जैसा मैंने कहा मैं फर्स्ट इंप्रेशन करूंगी तब मैं इसको ट्राई ऑन करूंगी. और चीज जो मैंने खरीदा है वो है एक अफोर्डेबल ब्राउ किट. ये है आपका डोडो गर्ल आई ब्राउ पाउडर. बहुत ही सिंपल सा ब्राउ पाउडर है. जैसे मैंने कहा मैं फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन की ट्राई कर. फिर मैंने लिया है आपका दो किस ब्यूटी का मैट लिपस्टिक. ये आपका नया लॉन्च है, उसका स्टोर में मैंने देखा. तो पहला वाला है सुपर मैट लिक्विड लिपस्टिक. ये एक ब्यूटीफुल टेराकोटा रेड है, सॉर्ट ऑफ अ ऑरेंजिश रेड, वेरी प्रिटी कलर. सेकंड वन इज अ ब्लंट रेड. And this is sort of a velvet matte lipstick. Next thing I took is this two hair bands. These were priced at rupees 25 each and they look so freaking cute. So I have to pick them up क्योंकि मैं ये सब पहन के makeup tutorial करती हूँ, आप जानते हो. Finally जो चीज़ मैंने लिया है उससे वो है, ये है बड़ा सा SFR का new palette, artistic palette. इसमें 60 eye shadows है और ये matte और shimmer दोनों type में eye shadow इसमें आता है. पर ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है. जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं इंस्टा में मंथली गिव अवे करती हूँ, तो ये आपका जून मंथ का गिव अवे गिफ्ट है. जुलाई मंथ के लिए आई एम प्लानिंग अनादर आई शेडो पैलेट विच आई नो यू गाइज आर गोना लव. इंस्टाग्राम गिव अवे. एंड अगर आप इंस्टा में नहीं हो फिर से आप ये मिस कर रहे हो. सो इफ यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर एंड, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, इट विल रियली मीन अ लॉट. और प्रोडक्ट जो मैंने बटन स्टोर से लिया है, अगर आपको पता नहीं है बटन स्टोर क्या है, कहाँ है, बटन स्टोर इज अ मेकअप स्टोर लोकेटेड इन बिहाला इन इलो जस्ट ऑपोजिट इलोरा सिनेमा हॉल. इफ यू आस्क एनी वन दे विल हेल्प यू आउट. तो वहाँ पर मैं गई थी और मैंने लिया मेबेलिन का मास्टर प्राइमर, क्योंकि ऑब्वियसली फुल फेस ड्रग स्टोर है, अफोर्डेबल है एंड दिस इज अफोर्डेबल प्राइमर. सेकेंड चीज जो है मैंने खरीदा है मेबेलिन का ये ग्लिटर मैट ग्लिटर इंक आई लाइनर. ये दिस वन इज इन बर्गेंडी शेड. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बर्गेंडी ग्लिटर आई लाइनर. लॉन्च्ड बेबी लिप इन हाई लाइन वाइन. ये आलिया भट्ट वाला है. इसका पिगमेंटेशन बहुत ही जबरदस्त है. मैंने स्वॉच किया था टेस्टर से एंड या दिस इज रियली गुड. अगर आप कोलकाता में साउथ में रहते हो, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो टू बटन स्टोर्स. मैं जाती हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कई बार बोलते हो यू नो टेस्टर कहाँ पर मिलेगा, कौन से दुकान पे, आई कैन जस्ट गो एंड फाइंड आउट एंड टेस्ट आउट फाउंडेशन शेड स्वॉच देम एंड स्टाफ. तो बटन स्टोर्स पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपका मेबेलिन, लॉरियल, फेसेस, लोटस, ये सबका काउंटर है. लैक्मे, ये सबका काउंटर है. और हर एक काउंटर में आपको हर एक प्रोडक्ट का मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट आपको टेस्टर मिल जाए स्वच्छ करने के लिए और चेक करने के लिए एंड दे आर रियली हेल्पफुल. मैं चली गई टेरेस पे क्योंकि मैंने आप सबको पूछा था कि इफ आई शुड गो टू टेरेस टुडे, और आप ऐसे सभी जनों ने कहा कि मुझे जाने चाहिए. तो आज मैंने सोचा कि टेरेस पे तो ज्यादातर मैं शूट करती हूँ, आप वीडियोस देखते हो, तो आज थोड़ा आसपास के यू नो ग्रीनरी को दिखा देती हूँ. तो मेरा जो एरिया है वहां पर लगभग बहुत सारे ट्रीज है, हरियाली बहुत है आसपास, और ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यू नो ये थोड़ा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड इट फील्स रियली गुड. कितना खूबसूरत लग रहा है. और यहाँ पर मेरा रखा हुआ है ट्राइपॉड जो किसी काम में नहीं आया क्योंकि मेरा बैटरी था वो ख़त्म हो गया है. इसीलिए मैं यू नो सारा शूटिंग जो है अपने मोबाइल से कर रही हूँ. थोड़ा सा पैर धो रही हूँ क्योंकि गर्मी से हालत ख़राब हो गया है. और उसके बाद मैं नीचे चली गई. तो आई ऑल्सो आस्ट यू गाइज दैट इफ़ आई शुड गो टू जिम टूडे, और 64% ने कहा था कि नहीं, आई शुड टेक रेस्ट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम आई वेंट टू साउथ सिटी मॉल बिकॉज आई थॉट यू नो इट विल बी अ बिट ऑफ वॉकिंग, और ऊपर से थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा फिरना भी हो जाएगा, कुछ खरीदना है तो वो भी हो जाएगा.
तो मैं इसीलिए चली गई थोड़ा साउथ सिटी मॉल। वैसे रेनोवेशन के बाद आज मैं पहली बार साउथ सिटी मॉल आ रही हूँ। यू नो आई साउंड लिटिल प्रिमिटिव, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला इस साइड में आने का, एंड आई रियली लाइक इट। और यहाँ पर आके ना मैं थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक हो गई रिगार्डिंग मुंबई। आई स्टार्टेड मिसिंग मुंबई सो फ्रिकिंग मच। यहाँ पर सिफोरा, फॉरएवर 21 और आपका स्टारबक्स देख के इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ मुंबई इन्फिनिटी, एंड आई जस्ट फेल लाइक फ्लाइंग बैक टू मुंबई। पर अभी तो नहीं हो सकता, फिलहाल तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, तो यू नो अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा मूड ऑफ हो गया और मैं वापस आ मैं आने के बाद मैंने काफ़ी सारा एडिटिंग किया और फिर मैं चली गई डिनर प्रिपेयर करने। तो डिनर के लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ आज ऑमलेट, क्योंकि मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। वैसे मैंने आपसे पूछा था ज़रूर मुझे क्या डिनर में खाना चाहिए और आपने क्या चॉइस दिया था, उसके बारे में आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो मैं ऑमलेट बना रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ इसके गोल बनाने के लिए, पर ये हो नहीं रहा है गोल। वैसे ये एक अंडा का ऑमलेट है, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, मैं 2-3 अंडा का नहीं खाती क्योंकि मैं योक को बहुत अवॉइड करती हूँ, पर ऑमलेट में तो योक होगा ही, तो इसलिए मैं एक ही अंडा का ऑमलेट खाती हूँ हमेशा। और यहाँ इसमें प्याज है, मिर्चा है, जैसे हम बनाते हैं। अभी मैं डिनर के लिए बैठी हूँ, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे डिनर पे क्या खाना चाहिए, इफ आई शुड ईट पास्ता और इफ आई शुड ईट लाइक दाल राइस एंड बॉइल्ड एग। तो आपने मुझे 50-50% वोट दिए थे इसके लिए, सो मैं अभी कुछ दूसरा ही खा रही हूँ। द रीजन बीइंग मेरा एक्चुअली पास्ता बनाने का आज मन नहीं कर रहा था, बिकॉज आई एम सो टायर्ड, आई कुडंट जस्ट प्रिपेयर पास्ता टूडे, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक ऑल्सो। सेकेंड ऑफ ऑल, दाल और अंडा खाने का तो मेरा मन था, पर मेरा राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज यू नो आई एम ऑलरेडी फीलिंग क्वाइट हैवी सिंस आफ्टरनून। मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि, तो इसीलिए मेरा यू नो बहुत ही ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन नहीं था। सो आई एम हैविंग एग, बट इंस्टेड ऑफ बॉइल्ड एग आई एम हैविंग एन ऑमलेट, एज यू सॉ आई एम हैविंग सोयाबीन एंड ऑल्सो आई एम हैविंग ब्राउन ब्रेड इंस्टेड ऑफ राइस, बिकॉज दिस विल जस्ट गिव मी द इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब एंड वॉट एवर आई रिक्वायर फॉर द नाइट, एंड इट विल ऑल्सो बी लाइट देन वाइट राइस। मैं चाहूँगी और अपने डिनर को इंजॉय करूँगी और साथ ही में मैं मूवी देखूँगी। मूवी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैं क्या देखूँ, यू नो काफ़ी टाइम हो गया मैंने काफ़ी सारा मूवी नहीं देखा, क्योंकि मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग एकदम टाइम नहीं मिल रहा है मूवी देखने का। आई मीन प्रीवियसली ना कोई भी अच्छा मूवी रिलीज होता था तो आई यूज टू गो एंड वॉच, बट फिलहाल मुझे कुछ दिनों से एकदम टाइम नहीं मिल रहा है। पहले तो मैं ऐसे ही घर पे भी देख लेती थी, कई बार मोबाइल पे कहीं पर भी, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग टाइम। आई रियली वॉन्ट टू वॉच अ हॉरर मूवी, और वैसे भी मैं आपको बता दूँ आई एम अ हॉरर मूवी बफ, आई लव वॉचिंग हॉरर मूवी और कॉमेडी मूवीज, यू नो दोज आर लाइक माई फेवरेट काइंड ऑफ मूवीज। तो यही दोनों में से मैं कुछ देखने वाली हूँ, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो मैं चेक करूँगी आप लोगों का सजेशन और फिर उसके हिसाब से यू नो आई विल लुक इन टू इट एंड ट्राई टू वॉच अ मूवी। तो मैं डिनर कंप्लीट करती हूँ, मूवी देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ और आपको बताती हूँ मैंने क्या मूवी देखा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग, चौंकिए मत, ये कोई नया व्लॉग शुरू नहीं हुआ। तो हुआ ये, कल रात को मैं काफ़ी देर तक एडिटिंग की, उसके बाद मैं सो गई थी। जैसे आप लोगों ने मुझे टाइम दिया था सोने के लिए वैसे ही टाइम पे मैं सो गई थी, या 12:30 बजे तक सो जाओ, पर मैं 12:30 में तो नहीं सो पाई, झूठ नहीं बोलूँगी। आई स्लेप्ट अराउंड 1:20 और मुझे इतना नींद आ रहा था और इतना टायर्ड फील हो रहा था क्योंकि दिन शाम में फिर मैं भागा दौड़ी की तरह घूमी निकली थी, तो इसीलिए और मेरा हुआ नहीं कल व्लॉग को एंड करना। तो मैं आज सुबह जो है व्लॉग को एंड कर रही हूँ, और बाहर का मौसम आप देख सकते हो बहुत ही क्लाउडी वाला मौसम है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाय पीते पीते व्लॉग को एंड करूँगी। बहुत ही सिंपल सा, मज़े वाला, नाइस सा व्लॉग था, पर यू नो आई ट्राई टू डू द थिंग्स एज यू सेड और आस्क मी टू डू एग्जैक्टली, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट ज़्यादातर तो मैंने कोशिश किया करने की। बाकी अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और अगर आप इंजॉय